Swami iti namine Namaste Saraswat Deva Gaurabani Pracharine Nirvishesa Sunyavadi Paschat Desatarine Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namah Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jaya Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Na Brahmarehi Tulehe Bhutam Anyat Pasyami Vipraha Kimataha Param Tu Jasmin Vibhihi Prahutam Sadhaya Aham Asnami Kamam Na Tathagni Hotre Na brahmanestulaye bhutamanyat Pasyami vipraha kimataha paramnu Jasmin ribhi prahutam sraddhayaham Asnami kamam natathagni hotre Na brahmanestulaye bhutamanyat Pasyami vipraha kimataha paramnu Jasmin ribhi sad prahutam sraddhayaham Asnami kamam na tathagni hotre Yes.
श्रद्धा न नहीं। ब्राह्मणे ब्राह्मणों के तुलये मैं समान मानता हूँ। भूतम जीव अन्यत अन्य पश्यामि मैं देखता हूँ। विप्रा हे समागत ब्राह्मणों किम कुछ भी अतः ब्राह्मणों से परम श्रेष्ठ तो निश्चय ही जस्मिन जिनमें से निर्भे मनुष्यों के द्वारा प्रभुतम यज्ञों के विधिवत संपन्न होने पर दान किया गया भोजन श्रद्धया श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक अहम मैं अश्नामि खाता हूँ। कामम परम प्रसन्नता पूर्वक ना नहीं तथा उस प्रकार अग्निहोत्रे यज्ञ यज्ञ में अनुवाद हम तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे पूज्य ब्राह्मणों जहाँ तक मेरा संबंध है मेरे लिए इस संसार में ब्राह्मणों के तुल्य या उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। मैं उनके तुल्य किसी को नहीं पाता। वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है उसे जब लोग समझ लेते हैं तो वे अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक ब्राह्मण मुख में अन्न प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं अत्यंत प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। निसंदेह इस प्रकार से प्रदत्त भोजन को मैं अग्निहोत्र में होम किए गए भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। तत्पश्चात वैदिक पद्धति के अनुसार यज्ञ समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उच्छिष्ट भोजन खिलाया जाता है। जब ब्राह्मण इस भोजन को खाते हैं तो यह माना जाता है कि परमेश्वर स्वयं इसे ग्रहण कर रहे हैं। अतः योग्य ब्राह्मणों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। विकास का चरम ब्राह्मण पद पर है। ऐसी सभ्यता जो ब्राह्मण संस्कृति पर आधारित नहीं है या जिसका संचालन ब्राह्मण नहीं करते वह निश्चय ही निंदनीय है। आजकल मानवीय सभ्यता इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। अतः अधिक से अधिक लोग ऐसे वस्तुओं के आदि हो रहे हैं। ब्राह्मण संस्कृति का आदर कोई भी नहीं करता। दानवी सभ्यता उग्र कर्म के प्रति आसक्त है और अगाध काम वासनाओं की तृप्ति के लिए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। जनता सरकारी करों के कारण पीड़ित रहती है। लोग अधार्मिक होते हैं और वे भगवद गीता में बताए गए यज्ञों को नहीं करते। यज्ञा भवन्ति पर्जन्य यज्ञ करने से बादल बनते हैं और पानी बरसता है और प्रचुर वर्षा के कारण प्रभुत्व अन्न उत्पन्न होता है। यदि राज्य का संचालन ब्राह्मण करे तो समाज में भगवद गीता के नियमों का पालन स्वतः हो जाता है। तभी लोग सुखी होंगे। अनाथ भवन्ति भूतानि जब पशु तथा मनुष्य प्रचुर अन्न खाते हैं तो बलिष्ठ होते हैं और उनके हृदय तथा मस्तिष्क शांत रहते हैं। अतः वे आध्यात्मिक जीवन बिता सकते हैं जो जीवन का परम लक्ष्य है। जय श्री प्रभुपाद। तो युग युग में भगवान का अवतार होता है। अनेक प्रकार के मनुष्यों को विविध धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान ऋषभ देव यज्ञ में अवतरित हुए थे। ब्राह्मणों ने यज्ञ में उनको प्रकट किया और इसके बाद वे राजा नाभि के पुत्र रूप में मेरु देवी से जन्म लिए। तो एक समय भगवान ऋषभ देव जब वो राजा थे
घूमते घूमते अपने सचिव के साथ बिठूर में पहुंचे, ब्रह्मावर्त में। यह बिठूर कानपुर के पास है, वही महाराज मनु की राजधानी थी। तो वहाँ एक बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा था, प्रजा जुटी थी देश की, और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र भी बैठे थे उसी में, जिनमें भरत जी सबसे ज्येष्ठ थे। भगवान ऋषभ देव उसी सभा में प्रवचन करने लगे, जो प्रवचन इस 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में पूरा दिया हुआ है। भगवान महा सबसे पहले पुत्र संबोधन करते हैं, नायम देहो देह भाजन निर्लोके कष्टन कामान अर्हते विद्भुजाम। ১৯৭০ में जब श्रील प्रभुपाद अपने 40 शिष्यों के साथ भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे थे, तो वाराणसी में घूमते घूमते वे बाद में गोरखपुर गए, और गोरखपुर में प्रभुपाद जी का प्रवचन हिंदी में हुआ इसी अध्याय पर, नायम देहो देह भाजम निर्लोके कष्टन कामान अर्हते विद्भुजा में तपो दिव्यम पुत्र काजेन सत्वम शुद्धे जस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसी पर प्रभुपाद जी प्रवचन किए, और जीवन में प्रथम बार श्रील प्रभुपाद जी के मुख से मुझे सुनने का अवसर मिला। मुझे याद आ रहा है कि यही प्रसंग था जब प्रभुपाद जी गोरखपुर में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की सन्निधि में बोले थे। ये तो लंबा प्रवचन है, इस वर्तमान श्लोक का भाव है, न ब्राह्मणे स्थूले भूतमन्ये। भगवान ऋषभ देव समझा रहे हैं कि देखो, जीवन में उन्नति करने के लिए श्रेष्ठ लोगों की संगति बहुत आवश्यक है। तो भगवान बहुत से मनुष्यों के साथ, जीवों के साथ व्यवहार की बात कह रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान ने बताया कि देखो, जड़ पदार्थों की अपेक्षा जो सजीव हैं, और सजीव में भी जो विरुद्ध भया, जो वृक्ष लता घास इत्यादि हैं, उनसे श्रेष्ठ हैं रेंगने वाले जीव, कीड़े मकोड़े। लता और वृक्षों की अपेक्षा कीड़े मकोड़े श्रेष्ठ हैं, और उन कीड़े मकोड़ों से श्रेष्ठ हैं सर्प। और उसमें भी श्रेष्ठ हैं जो बोध वाले हैं, जिनको कुछ समझ होती है, और इनसे श्रेष्ठ हैं मनुष्य। मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं
प्रमथ, और प्रमथ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं गंधर्व इत्यादि, उनसे भी श्रेष्ठ हैं देवता। देवताओं में श्रेष्ठ हैं इंद्र, और इंद्र की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि, और उनसे श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी, नहीं ब्रह्मा जी के पुत्रों में श्रेष्ठ हैं भगवान शिव, और शिव जी से भी श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी। भगवान कहते हैं ब्रह्मा मेरे भक्त हैं, तो अब कह रहे हैं कि सभी मनुष्यों से सभी जीवों से श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण। न ब्राह्मणे स्थूले भूतमन्यत, मैं किसी भी जीव से ब्राह्मण की तुलना नहीं करता हूँ, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं। उस सभा में ब्राह्मण भी बैठे थे, उनको संबोधन करके कहते हैं हे विप्रा हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मण से श्रेष्ठ अन्य किसी को देखता ही नहीं हूँ, न पश्यामि विप्रा किमतः परंतु। इसलिए भगवान ये बात कह रहे हैं कि श्रेष्ठ लोगों का ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारे भारतवर्ष में यह प्रचलन है, यह शिक्षा है कि ब्राह्मणों को आदर देना चाहिए, विशेष करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। तो भगवान उसके विषय में बोल रहे हैं। जस्मिन् निर्भीः प्रहूतम् श्रद्धयाहम् अश्नामि कामम् न तथाग्निहोत्रे। पहले यज्ञ करने के बाद यज्ञ के अंत में ब्राह्मणों को निमंत्रित करके और यज्ञोच्छिष्ट प्रसाद उन्हें खिलाया जाता था, तो इससे यज्ञ की सफलता मानी जाती थी, और यह माना जाता है कि भगवान साक्षात खाए। उसके विषय में भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि मैं जितना ब्राह्मणों के मुख से प्रसन्नता से खाता हूँ उतना अग्नि में हवन करने से नहीं, तथा अग्निहोत्र न। भगवान दो तरह से संतुष्ट होते हैं, अग्नि में आहुति देने से, यज्ञ करने से, और ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से। हवन होता है घी से तर पदार्थ, तो भगवान कहते हैं कि मैं ब्राह्मण के मुख में हवन करने से जितना तृप्त होता हूँ उतना अग्नि में हवन करने से नहीं होता। अग्नि और ब्राह्मण ये भगवान के मुख हैं। इस तरह हमें जीवन में सीखना चाहिए कि ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। इससे भक्ति बढ़ती है, और ब्राह्मण के गुण भगवान ने इसके बाद बताया है, ब्राह्मण में क्या क्या विशेषता होती है। तो भगवान ने 8 गुण बताया है,
धृता तनु रुषति में पुराणी जने हसत्वम परमम पवित्रम। समो दमा सच मनुग्रहश्च इत्यादि ये सब गुण बताया है। जो ब्राह्मण मेरे सनातन शरीर को धारण करते हैं, ये वेद शास्त्र पुराण ये भगवान के अंग हैं, शरीर हैं, तो ब्राह्मण इसको धारण करते हैं। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है, जो मेरे पुराणी शरीर को पुराणी तनु को धारण करते हैं। इस संसार में वेद शास्त्र धारण करना, उन्हें याद रखना और जनता में उनका प्रचार करना बहुत आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य समाज पशु जैसा है। हमारे वास्तविक हित की बात शास्त्रों में है, पुराणों में है, भगवद गीता में, तो इसको धारण करने वाला, बताने वाला और इसके अनुसार चलने वाला ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा गुण है, वह भगवान का भक्त होता है और भगवान की बातों को वेद शास्त्र को धारण करता है। भगवान खुलम खुला कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों के साथ और किसी की तुलना नहीं करता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जिस समाज में ब्राह्मण की प्रधानता नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, तो वह समाज बिल्कुल गुमराह है, किसी काम का नहीं है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ब्राह्मण बनाए। ब्राह्मण की बहुत जरूरत है। ब्राह्मण के बिना समाज बिल्कुल अंधा है, ब्रेनलेस है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं समाज में पहले ब्रेन बनाना चाहता हूँ, ब्रेन ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक होगा। और भगवान कहते हैं कि इन ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहिए। सब प्रकार का सम्मान, अच्छा वचन बोलना, नम्र रहना ब्राह्मणों के सामने और उन्हें खिलाना पिलाना, दान देना, यह धर्म है। तो भगवान अपनी जनता को और अपने पुत्रों को यह शिक्षा दे रहे हैं।
न ब्राह्मण स्थूले भूतमन्यत् पश्यामि विप्रः किमतः परं तु जस्मिन्निर्भिः प्रहुतं श्रद्धयाहम् अश्नामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से मैं कामम अश्नामि, कामम का अर्थ है प्रेम से, पूर्ण तृप्ति से खाता हूँ। ब्राह्मण के मुख में जब शुद्ध देसी घी कहिए और ये डलडा फलडा नहीं, शुद्ध घी का बना हुआ पदार्थ जब हवन किया जाता है तो कामम अश्नामि, मैं प्रेम से खाता हूँ। तो भगवान को खिलाना चाहिए ना, भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हैं और सबसे पूज्य हैं। तो भगवान को भोग लगाने की सबको इच्छा होती है, ये भी देखना चाहिए कि भगवान खाए कि नहीं। तो भगवान स्वयं बताए हैं कि मैं अश्नामि, खाता हूँ। कैसे? जस्मिन प्रहुतम श्रद्धया, जस्मिन ब्रह्मणी ब्राह्मण में वैष्णव में श्रद्धा से खिलाया जाता है तो मैं खाता हूँ। श्रद्धा से, श्रद्धा का अर्थ है कि हाँ भगवान के ये वचन सत्य हैं, भगवान ब्राह्मण का सम्मान करने से बहुत खुश होते हैं। भगवान अगर हमारे जीवन में प्रसन्न हो गए तो जीवन का सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल गया है। भगवान को प्रसन्न करना अपने कर्मों से मनुष्य जीवन की यही सफलता है। और जिस मनुष्य पर भगवान प्रसन्न नहीं है तो उसका सब कुछ बेकार है। हम लोग मनुष्य हैं, भगवान ने स्पेशल बुद्धि दिया है और स्पेशल शरीर दिया है ये भगवान को समझने के लिए। जो कहते हैं कि इस शरीर से भोग नहीं भोगना चाहिए, दिव्य तप करना चाहिए। अब दिव्य तप का क्या अर्थ है? साधारण तप का अर्थ है जाड़ा सहना, गर्मी सहना, धूप सहना। जैसे वानप्रस्थ जीवन में तपस्या की जाती है, गर्मी के दिन में सूर्य के किरणों में बैठ करके और अपने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके ताप सहा जाता है, जिसको पंचाग्नि कहते हैं। चार दिशाओं की आग और ऊपर सूर्य की आँच, ये पंचाग्नि। और जाड़े के दिन में ठंडा सहना, ठंडे जल में आकंठ खड़े रहना, केवल दिन में ही नहीं रात में भी ठंडा सहना। और वर्षा काल में बिना वस्त्र पहने खड़े रहना,
खड़ा रहना, वर्षा की धाराएं सहना, बहुत कम खाना, सोना बिल्कुल नहीं, ये सब तप है। लेकिन दिव्य तप का मतलब है ये सब कष्ट सहा जाए केवल भक्ति में विकास के लिए। कम खाना या बिल्कुल नहीं खाना वह किस दिन एकादशी को, एकादशी करना यह दिव्य तप है। या भगवान के किसी जन्म महोत्सव में उपवास करना, रात्रि जागरण करना, ये सब दिव्य तप है। भक्ति जागरण न कि भगवती जागरण। भगवान का कीर्तन करने के लिए रात भर जगना यह दिव्य तप है। भगवान का नाम बोलते रहना भले जीव थक जाए फिर भी बोलना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, यह दिव्य तप है। भगवान इसको करने के लिए कहते हैं तपो दिव्यम पुत्र का जैन सत्वम शुद्ध जस्मात। तो दिव्य तप करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होता है तभी हम ब्रह्म सुख पा सकते हैं, भगवान का सुख। आत्मा का वास्तविक सुख ब्रह्म सुख कहा जाता है। तो उस दिव्य सुख को पाने के लिए दिव्य तप करना चाहिए। कम खाना, केवल भगवत प्रसाद खाना, और भगवत प्रसाद भी परिमित खाना। प्रसाद बांटने की बड़ी महिमा है, खाने की उतनी महिमा नहीं है। प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद बांटने की महिमा है। प्रसाद जितना ही अधिक से अधिक लोगों को दिया जाए ठीक है। भगवान का प्रसाद बनना चाहिए और भगवान का संदेश बांटना चाहिए। भगवत गीता और भागवत के संदेश को ये फैलाना चाहिए। वाणी का संयम करना चाहिए। वाणी बहुत बड़ा धन है लेकिन इससे हम जगत की बातें न बोलें, भगवान के नाम गुण लीला को ही केवल बोलें। इसी तरह से शरीर में और इंद्रियां जैसे श्रवण इंद्रिय, जब तक जिए और कुछ न सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान का नाम सुने, यही करना चाहिए। भगवान आए यहाँ स्वयं, भगवान श्री कृष्ण उन्होंने शिक्षा दिया है, भगवान कपिल देव ने शिक्षा दिया है और भगवान ऋषभ देव ने शिक्षा दिया है। ये सभी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। भगवान इस बात की आवृत्ति करते हैं बार बार कि दिव्य तप करना चाहिए, कम खाना, कम सोना, अधिक से अधिक समय तक भगवान का नाम जपना, उनका स्मरण करना। तो भगवान का ये संदेश है
हमें जीवन में विकास करने के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, संग करना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण का अर्थ आप लोग स्पष्ट समझिएगा, वैष्णव जो विष्णु का हो गया उसको वैष्णव कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान का हो जाता है उसका गोत्र, उसकी जाति सब कुछ भगवान की हो जाती है, अच्युत गोत्र। इसलिए भगवान के इस कथन का अर्थ है वैष्णवों का सम्मान करना चाहिए। वही वास्तविक ब्राह्मण है। हरे कृष्ण। महाराज हरे कृष्ण, आप बताएं कि वैष्णव जो ब्राह्मण हो जाते हैं, जो वैष्णव नहीं है जो ब्राह्मण लोग, उनका भी सम्मान करना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ भगवान सम्मान करने की बात कह रहे हैं, सम्मान नहीं करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो वैष्णव हो गए हैं वह तो परम भाग्यशाली हैं, और ब्राह्मण में जन्म लेने पर भी यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो वे ब्राह्मण हैं, लेकिन सम्मान करने की बात आ रही है तो भक्ति से युक्त ब्राह्मणों की, वो चाहे कहीं भी जन्म लिया हो, किसी भी जाति में। भगवान तो सभी जीवों का सम्मान करने की बात कहते हैं। सर्वाणि मद्धिष्णतया भवद्भिश्चराणि ध्रुवाणी सुता ध्रुवाणी। भगवान एक श्लोक में कहते हैं कि चर अचर सभी जीवों में मैं हूँ, तो मुझे सब में देख करके सबका आदर करो। और उसमें भी जिसमें कुछ भक्ति है मेरे प्रति तो उसका विशेष आदर करो। तो इसमें भगवान अनादर की बात कुछ नहीं कह रहे हैं, आदर ही करने की बात कह रहे हैं। हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा। ये हमें भगवान का सुख पाने के लिए दिव्य तप करना चाहिए, कम सोना का है कम खाने का है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में कुछ श्लोकों में कहा है कि हमें एकदम कम भी नहीं खाने का है, एकदम ज़्यादा भी नहीं खाने का है, एकदम कम भी नहीं सोने का है, एकदम ज़्यादा भी नहीं सोने का है, ऐसा। हाँ तो हिसाब से खाइए, ज़्यादा खाने नहीं चाहिए तो कहाँ ही गया। बहुत ज़्यादा उपवास करने से शरीर बिल्कुल मरे जैसा हो जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना खाना चाहिए कि बोली आती रहे, जप होता रहे, कीर्तन कर सकें,
या भगवान का बुक डिस्ट्रीब्यूशन आदि करना है उसको कर सकें। आप इतना कम खा लेंगे कि हाथ में किताब रहेगी और कोई बोलेगा क्या क्या चीज़ है, तो भगवत गीता बोलने की भी शक्ति नहीं रहेगी। ये तो शुष्क तप है। परिमित भोजन करना चाहिए, इतना भी नहीं ज़्यादा खाना चाहिए कि आलस आने लगे, निद्रा आ जाए। कृष्ण महाराज आपने बहुत सुंदर एक पॉइंट बोला कि भगवान बोलते सब का आदर करना चाहिए चाहे कोई भी हो, पर कभी कभी हमारे भक्त समाज में ऐसा हो जाता है कि अरे भाई वो भक्त नहीं कर्मी है, ऐसे उपदेश देकर कभी कभी हम आड़ जाते हैं। तो आप उसके बारे में कुछ टिप्पणी देखिए क्या। कभी कभी हमारे भक्त समाज में ऐसे हो जाता है कि भाई अरे छोड़ो कर्मी आदमी है उससे, तो इसमें इसके ऊपर अगर, क्योंकि भगवान सबके प्रेम करना चाहिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिखाया, तो यहाँ पे कुछ हमारा भक्त समाज में ऐसा हो जाता है, हो रहा है अरे भाई वो कर्मी है छोड़ो, तो जो उनके बड़ा नीच आंखों से दिखा जाता है, इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी दे सकते हैं। सब में भगवान को देखना चाहिए, सब जगह भगवान है, ये सबसे ऊंची दृष्टि है। यहाँ तक कि कुत्ते में, चंडाल में और कुत्ता खाने वाले में, सब में भगवान को देखना चाहिए। पर इस तरह से दृष्टि होना मिलना दुर्लभ है। भगवान सब जगह है ना, यह बात भगवत गीता से निर्विवाद है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सभी प्राणियों के मैं हृदय में हूँ। तो जो व्यक्ति भगवान को सब जगह देखेगा तो भगवान का तो आदर करेगा ना, प्रणाम करेगा। हरे कृष्ण, वो किसी से घृणा नहीं करेगा। हरे कृष्ण महाराज, आपने कहा कि ब्राह्मणों को आदर करना चाहिए, बाकी कलयुग में ब्राह्मण अपना स्वधर्म भूल गए हैं और शूद्र जैसा वर्तन कर रहे हैं, उसके लिए आपका क्या अभिप्राय है? अभिप्राय हम यही कह रहे हैं कि भगवान जो कहते हैं वो करना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों के मुख में हवन करने से अधिक प्रेम से खाता है, तो ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इतना साफ बात है, अगर हम भगवान को खिलाना चाहते हैं तो जो भगवान को खिलाने के लिए ये उपाय है, ब्राह्मणों को खिलाना, दीन दुखियों को खिलाना। एक जगह भगवान ने प्रवचन किया है कि मैं गाय में हूँ, दीन दुखी प्राणियों में हूँ और ब्राह्मण में हूँ। तो भगवान सब जगह हैं, तो किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, आदर ही करना चाहिए। भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं। नहीं, जो स्वधर्म भूल गए हैं ब्राह्मण लोग, क्योंकि अपना धर्म वो नहीं वो कर रहे हैं, जैसे भगवान ने कहा अर्जुन को कि भी वे अपना धर्म भूल गए हैं, तो हम अपना धर्म क्यों भूलें? हमारा धर्म है स्वधर्म है हमारा, आदर करना चाहिए।
हरे कृष्ण महाराज. ब्राह्मण उसको भी कहते जो वेदज्ञ है, जो वेद को जानते हैं. मगर वेद में 97% तो कर्मकांड और ज्ञान कांड की बातें हैं जो वैष्णव धर्म के अनुकूल नहीं है. मतलब कि वो हम वैष्णव ज्ञान कांड और कर्मकांड को नहीं मानते हैं, तो फिर वो ब्राह्मण को उस वो ज्ञान के आधार पर हम कैसे मान दे सकते हैं. 100% जो वैष्णव है वही सच्चे ब्राह्मण है, वो आपने बोला. बट जो खाली कर्मकांडी है, ज्ञानी है, वो तो वैष्णव के खिलाफ है. ये भगवान तो जो बोल रहे हैं अब साफ समझ रहे हैं. भगवान की बात का आदर करना है. हम लोग यदि गीता कहते हैं या भागवत कहते हैं तो भगवान की बात को एज इट इज ग्रहण करना है. अगर कोई ब्राह्मण कर्म कांड में है या ज्ञान कांड में है तो इससे क्या हो गया, भगवान उनके हृदय को छोड़कर भाग गए हैं. भगवान तो हृदय में है ना. जहाँ तक जीवों को सम्मान देने की बात है तो सब में कृष्ण को देख कर सम्मान देना चाहिए. भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिणादपि सुनी चेना तरोरिव सही सुनना अमानिना मान देना कीर्तनियो सदा हरि. भगवान का सदा कीर्तन करना चाहिए, सदा ध्यान स्मरण करना चाहिए. पर कैसा हो करके तो कहते हैं तीर्ण से भी अधिक नम्रता से, निज भाव से, अपने को एक घास के तिनके से भी नीचा मान करके. ये वैष्णव का लक्षण है. आप घास का तिनका देखते हैं ना, रोड में पड़ा रहता है, कोई पैर देता है, कोई थूक देता है, लेकिन क्या घास उठ करके कभी झगड़ा किया कि तुम अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ता है, हम पर क्यों पैर रख रहे हो. तो घास कभी प्रतिवाद नहीं किया. इस तरह से वैष्णव को होना चाहिए. यद्यपि वो सब तरह से ऊंचा है लेकिन ये भावना रहनी चाहिए, मानसिकता ऐसी रहनी चाहिए कि मैं बहुत अधिक अधम हूँ, घास के तिनके से भी अपने को छोटा मान करके और वृक्ष जैसा सहिष्णु हो करके. वृक्ष कितना सहन करता है, घाम में रहता है, धूप में रहता है, जाड़ा सहता है, आंधी सहता है, लेकिन कभी किसी के घर पानी मांगने नहीं गया कि मैं सूख रहा हूँ मुझे पानी दो. सूखे सूखे मर जाता है लेकिन पानी नहीं मांगता है. कोई लकड़ी के लिए काटता है तो काटने वाले को मना नहीं करता, वो कट जाता है. वृक्ष जल जाता है. और यहाँ तक कि मनुष्यों के मृतक शरीर का दाह संस्कार किया जाता है तो वृक्ष ही जलाया जाता है, लकड़ी ही जलाई जाती है. जल करके वो दूसरे का हित करता है, हमारा भोजन बनाता है. अब तो
गैस से भोजन बनने लगा, लेकिन पहले 100% भोजन लकड़ी से बनता था। उसके फल को तोड़ते हैं, खाते हैं, पत्ता को तोड़ते हैं, कितना सहन करता है। वृक्ष के पत्ता को तोड़ करके उसका प्लेट बनाया जाता है और उस पर हम लोग खाते हैं। क्या हमारे चाम से प्लेट बन सकता है? अगर कोई कुल्हाड़ी से शरीर को काटने लगे और फिर भी सहन कर जाए तो इसको वैष्णवता कहते हैं। ये भगवान के भक्त का लक्षण है। फिर भूख सहना या अपमान जनक बातें सहना है, कौन बड़ी बात है। कोई गाली दे, कोई थूक दे, तो फिर भी क्रोध ना हो तो समझिए कि हम वैष्णव हो गए। एक बार की सत्य घटना है, इसी महाराष्ट्र की। भक्त एक नाथ से दीक्षा लेने के लिए एक व्यक्ति आया। एक नाथ जी रहते थे घर पंढरपुर के तरफ, तो उन्होंने कह दिया साल भर के बाद आना। तो व्यक्ति चला गया और साल पूरा होने के बाद वो आया गोदावरी जी में, नहीं चंद्रभागा में स्नान करके आया। तो एक नाथ जी ने एक स्वीपर को, भंगिन को सिखा दिया जो कूड़ा करकट लेकर जा रही थी। उन्होंने सिखा दिया कि वो जो भक्त आ रहा है उसको थोड़ा झाड़ू सटा देना शरीर से, झाड़ू देते समय। तो झाड़ू दे रही थी, वो भक्त स्नान करके आ रहा था तो झाड़ू थोड़ा सा टच कर गया पैर से। इसी पर वो बड़बड़ाने लगा कि अंधी हो, देखती नहीं हो, और आया एकनाथ जी के पास। तो एकनाथ जी ने सुना उसकी बात कि हमको अशुद्ध कर दी, झाड़ू लगा दियो। तब उन्होंने कहा कि अभी एक साल और भजन करो तब आना दीक्षा के लिए। तो गया बेचारा, बहुत उत्कंठित था। वो आ रहा था तो फिर एक नाथ जी ने कह दिया कि ऐसे फिर उससे शरीर सटा देना, जैसे चलते समय असावधानी से। तो बड़ी उतावली में था वो, दीक्षा लेने के लिए आ रहा था नहा करके, तो फिर उस भंगिन ने शरीर का स्पर्श कर दिया। तो वो बिठल बिठल राम राम कहते हुए गया स्नान करने। स्नान से पहले कहा कि अरे मैं नहा करके आ रहा था, एक कहा कि शुद्र आ करके हमको टच कर दी। तब एक नाथ जी ने कहा कि अभी एक साल के बाद आना। इस तरह से 3-4 साल बीत गए और वो फिर आ रहा था नहा करके। तो इस बार उन्होंने कहा कि कूड़ा करकट की टोकरी उसके ऊपर फेंक देना। तुम ऐसा नाटक करना कि हमें देखी नहीं, वही किया। और जब कूड़ा करकट की टोकरी फेंक दिया
तब उसके चरणों पर गिर गया हुआ और कहा कि माता जी आप हमें सहनशील बना रही हैं, चरण वंदना करने लगा। तब आया तब एकनाथ जी ने कहा अब तुम भजन का अधिकार कर लिए हो, अब तुम वैष्णव हो, ठीक है, मैं तुमको दीक्षा दूँ। तो दीक्षा दिए तो ऐसे भजन का अधिकार मिलता है, इतना सहन करने से, अपने को छोटा समझने से, वैष्णव उसको कहते हैं जो वृक्ष जैसा सहनशील हो और तीर्ण जैसा छोटा समझे अपने को और अमानिना स्वयं मान ना चाहे और मान दे ना, स्वयं मान ना चाहे और मान दे, दूसरों को मान देने से घाटा क्या होता है, हमेशा लाभ ही लाभ है। तो भगवान स्वयं आकर के शिक्षा दिए हैं अमानिना मान देना, स्वयं सम्मान न चाहे न ले और दूसरों को मान दे, और ऐसा हो करके तब कीर्तनियो सदाहरि, ऐसा हो करके तब भगवान का भजन करना चाहिए। तो भगवान के भक्त का लक्षण है एक बार एक क्षत्रिय राजा उसने समाज में ब्राह्मणों के सरदार के पास घोषणा किया कि मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन उसको सभी ब्राह्मणों ने कह दिया कि नहीं आप ब्राह्मण नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि गुरु वशिष्ठ जी आपको ब्राह्मण कह देंगे तो हम सब ब्राह्मण मान लेंगे। तो वो बहुत प्रचंड क्षत्रिय थे, आप जानते हैं विश्वामित्र मुनि बहुत बड़े मार काट करने वाले, युद्ध करने वाले। तो वशिष्ठ जी से जाकर कहे कि तुम मुझको ब्राह्मण मानते हो कि नहीं, तुम मुझको अनाउंस करो कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने कह दिया विश्वामित्र जी मैं भय के बस से आपको ब्राह्मण नहीं कह सकता, ब्राह्मण को निर्भय रहना चाहिए, मुझे भय नहीं है आपका। तब उन्होंने कहा कि इसका फल तुम पा लोगे, जो भी होगा सह लूंगा, लेकिन बिना योग्यता के आपको ब्राह्मण नहीं कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे जब अपने ब्राह्मणत्व होगा। तब वो विश्वामित्र मुनि रंज हो गए, वो राजा थे मुनि थे नहीं, बाद में मुनि हुए। तो वो वशिष्ठ जी से झगड़ा किए और यहाँ तक कि उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को काट दिया, मार दिया। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार दिए गए इसी कारण से कि हमको ब्राह्मण क्यों नहीं कह रहा है। विश्वामित्र मुनि में अद्भुत सहनशीलता थी, नहीं वशिष्ठ जी ने वो कुछ नहीं शोक किए और न दोष दृष्टि किए, पर विश्वामित्र तो कर्मवादी थे, प्रारब्धवादी, वे भाग्य को कुछ नहीं मानते थे, सबको समझते थे कि कर्म से कुछ भी हो सकता है, मुझे होना है, मुझे ब्राह्मण होना है,
लेकिन जब ब्राह्मण का कोई गुण ही नहीं है तो तुमको कौन ब्राह्मण कहेगा। मार काट करने का स्वभाव था तो इसलिए वशिष्ठ जी ब्राह्मण नहीं कहे। अब अंत में विश्वामित्र ने निर्णय किया कि मुझे वशिष्ठ की हत्या करनी है, इसको काट देना है। तो एक दिन भेष बदल करके और हाथ में तलवार लेकर के वशिष्ठ जी के कुटिया के पास गए तो वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी के साथ बाहर चबूतरे पर बैठे थे घर के बाहर, और रात का समय था, चंद्रमा की चांदनी फैली थी। तो माता अरुंधति ने ये वार्ता किया, कहा कि चंद्रमा की चांदनी कितनी अच्छी है, इसका कितना अच्छा प्रकाश है। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस चंद्रमा का प्रकाश वैसा ही है जैसे विश्वामित्र जी का तपस्या। इसमें विश्वामित्र जी तपस्या करके संसार में चमक रहे हैं। तो विश्वामित्र बिल्कुल पास में चले गए थे हाथ में तलवार लेकर वशिष्ठ जी का वध करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि वशिष्ठ मुनि एकांत में अपनी पत्नी से मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तब उनका हृदय बदल गया, कहा कि ऐसे महान ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तब वे अपना तलवार फेंक दिए और जाकर के चरण में गिर गए वशिष्ठ जी के। तो वशिष्ठ जी ने उनको उठा लिया और उठाते समय कहे कि उठिए ब्रह्मर्षि जी, अब आप ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण में क्रोध नहीं होना चाहिए और हिंसा आदि तो क्षत्रिय की वृत्ति है। इस तरह से हम लोग वैष्णव हैं तो वैष्णव की जिम्मेदारी है, क्वालिफिकेशन है भगवान के चरणों में प्रेम करना और उनको सब जगह देखना, चर अचर सभी जीवों में कृष्ण को देखना है। यही भागवत की और भगवत गीता की शिक्षा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति। सब जगह भगवान को तय करके सबका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, हरे कृष्ण।